असम दोस्तों, पुलिस ने एक FIR रजिस्टर की जिसमें 14 लोगों को नॉमिनेट किया गया और उनका इल्ज़ाम ये था कि उन 14 लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और आफ्टर एक्सचेंज ऑफ फायरिंग मीन्स वो एक इनकाउंटर हुआ और आफ्टर द इनकाउंटर आफ्टर एक्सचेंज ऑफ फायर वो सब के सब मुजमान जो है वो फरार होने में भागने में कामयाब हो गए। तो अब जिस FIR के जो कंटेंट्स हैं उनसे ही पता चल रहा है कि ये FIR काफ़ी कमज़ोर है और जब ये केस कोर्ट में आया तो सबसे ये बेल स्टेज पे है। सबसे पहला सवाल तो कोर्ट्स की तरफ से यही पूछा गया कि जब पुलिस ये दावा कर रही है कि 14 लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, 14 के 14 लोगों को नॉमिनेट किया गया और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि हमारे पास भी मॉडर्न वेपनरी थी यानी अच्छे हथियार थे और हमने भी जवाबी फायरिंग की, तो इस सारी सर्कमस्टांसिस में ये यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कोई सच्ची FIR या सच्चा केस है कि 14 लोगों ने मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया और फिर 14 के 14 फरार होने में कामयाब हो गए। इसी बेसिस पे, इसी बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे सब लोगों की बेल एक्सेप्ट की गई, बेल ग्रांट की गई और इस केस का ट्रायल स्टार्ट किया गया। थैंक यू।